चल के देखते हैं और कितना किलोमीटर ऐसे रोड है। तो ये जो रोड आती है छपरा से, यहाँ पे कनेक्शन नहीं हो रखा था, बट अभी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं आपको लास्ट में समराइज कर दूंगा कि टोटल जो कितने किलोमीटर की दूरी है ना, वहाँ पे आपको सिंगल लेन मिलने वाला है। तो सुप्रभात और नमस्कार, वापस से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो के अंदर में हम जा रहे हैं छपरा टू पटना। तो इस बीच मैंने सोचा भाई कि आपको दिखा देते हैं कि अभी का अपडेट क्या है। एक्चुअली ये दिखाना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बैठो, क्योंकि ये रोड को लगभग 20 साल हो चुके हैं बट अभी तक ये कंप्लीट हुआ नहीं। तो रिसेंट अपडेट क्या है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। पिछले लास्ट ईयर मैंने इस रोड का अपडेट दिया हुआ था, तो उस टाइम पे लगभग एक लेन में जो है गाड़ियां चल रही थी, दूसरे लेन में कहीं कहीं पे जो है थोड़ा आधा अधूरा काम हुआ था। तो वही आज चल के देखते हैं कि आज क्या अंतर आया है। मैं अगले 1.5 साल के बाद जो है ये वीडियो शूट करने जा रहा हूँ, अपडेट दिखाने आपको। और उस टाइम की जब मैं वीडियो बना रहा था तो बोला जा रहा था भाई 6 महीने में ये जो रोड है वो चालू हो जाएगा 4 लेन, बट अभी आपको 2024 ख़त्म होने जा रहा है, 2025 शुरू होने वाला है भाई, बट अभी तक कोई ऐसा न्यूज नहीं आ रहा है रोड जो है तैयार हो चुका है या फिर तैयार होने वाला है। तो चल के ग्राउंड में ही दिखाते हैं आपको कि क्या स्थिति है। एक्चुअली इस रोड को कोई कवरेज नहीं मिलता है भाई, ना मीडिया कोई कवर करता है, ना ही ये टॉपिक हाईलाइट होती है, इसलिए मुझे लगा कि भाई मेरे को ही ये वीडियो बना के आप तक पहुंचानी चाहिए और सोशल मीडिया तक आनी चाहिए। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करना, और अगर आप नए हो गए मेरे चैनल के ऊपर में तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आगे की वीडियो देखने के लिए। सो राइट नाउ अभी हम मेहिया वाटर पार्क वाले रोड पे, अभी बाईपास रोड ही चल रहा है। पिछले टाइम ना ये रोड की बहुत ही ख़राब कंडीशन थी, अभी इसे बहुत ही मस्त कर दिया गया है भाई। तो भाई एक्चुअल जो अपना 4 लेन है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ये है भिखारी ठाकुर चौक के थोड़ा सा आगे साइड का पोर्शन, रोजा साइड का, और यहाँ पर आप एक बार नज़ारा देख लो। यहाँ पर मैं बीचों बीच बाइक लगा रहा हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इस 4 लेन का स्टार्टिंग पॉइंट इधर से यही रहने वाला है। तो इधर पे आपको दिख रहा होगा कि दोनों जो लेन है वो वर्किंग है, और आगे के चल के आपको कंडीशन दिखाते हैं कि कहाँ पे जो लेन है उसका कंडीशन गड़बड़ा रहा है और कहाँ पे ये डबल लेन 1 लेन में जाके कन्वर्ट हो जा रहा है। जहाँ पे मतलब मेरे को लगेगा एबनॉर्मल था इस 4 लेन पे, वहाँ से मैं आपको अपडेट करूँगा ज़रूर। सो भाई हम अभी पहुँच गए हैं यहाँ पे डोरीगंज साइड पे, और जिसे आरा जाना होता है यहीं से भाई कट के जाता है। यहाँ पे कंडीशन देख लो आप कितनी बुरी है, ट्रैफिक की मतलब कोई सिस्टम नहीं है, कहीं भी कोई भी घुस रहा है, कहीं से भी निकल रहा है। बाकी 4 लेन का अपना टॉपिक है तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। रोड्स यहाँ पे क्लियर है एज यूजुअल, जैसे लगी रहती है जाम ट्रकों की, यहाँ पे आप देख सकते हो। आरा जाने वाली जहाँ पे रोड कटती है डोरीगंज का स्टार्टिंग पोर्शन, वहाँ से ये ट्रकों का जाम अभी तक यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ तक कि अगर रोड की कंडीशन बताऊँ ना भाई, बिल्कुल क्लियर है, इधर कोई दिक्कत नहीं है, एक भी गड्ढा नज़र नहीं है, और रोड काफ़ी क्लियर है। और यहाँ पे जाके ना अभी ट्रकों का जाम है, लास्ट पोजिशन वहाँ पर है। अवतार नगर में हम प्रवेश कर चुके हैं और रोड देख लो भाई कितना ही क्लियर है, बहुत सही भाई, देख के मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया भाई, बहुत ज़बरदस्त। गड्ढा का नाम लिया मैंने और बहुत ही एक भयानक गड्ढा आ गया। कहीं कहीं पे पैच ऐसे आ रहे हैं ना बहुत गंदा वाले भाई, डैमेज कर सकते हैं और आप लिटरली गिर सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ रखा है भाई,
इज एनी कैजुअलिटी हैपन हियर? टोल एरिया आने वाला है भाई, रोड्स तो बनाओ, हम लोग टोल देने के लिए तैयार हैं। सो भाई ये अभी हम हैं आमी साइड पे, यहाँ आमी एक मंदिर है बहुत ही फेमस, आपको मालूम होगा। और यहाँ तक का मैं आपको अपडेट दूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर रोड है, एकदम चकाचक। बाकी बीच बीच में जो है वो गड्ढे मिले थे हमें एक दो तीन जगह। चलिए अभी यहाँ के बाद का अपडेट आपको दिखाते हैं। एक्चुअली ये बन जाने के बाद ना भाई छपरा टू पटना करने में बहुत ही कम समय लगने वाला है। जहाँ पे ऐसे 3 घंटे 4 घंटे लगते थे वहीं पे मात्र 1 से 1.5 घंटा लगने वाला है। ये यहाँ का यादव चौक है और यादव चौक के बाद से यहाँ का जो रहती है लेन है वो यहाँ पे वर्किंग नहीं है। यादव चौक के बाद से ना हमें सिंगल लेन का यूज करना पड़ रहा है। हाँ एक ही लेन में है जो गाड़ियाँ आ रही हैं और जा रही हैं। बाकी आपको आगे चल के दिखाते हैं कि ये कंडीशन कहाँ तक है। तो यहाँ पे ट्रिप जो है वो मैंने जीरो कर दिया है ताकि पता चल सके कि सिंगल रोड कहाँ तक चल रहा है। बट यहाँ पे काम जो है मेरे को होता हुआ दिख रहा है, काम चल ही रहा है भाई। यहाँ पे एक्चुअली एक ब्रिज बन रहा है पानी इधर से उधर होने के लिए। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको वापस एक बार अपडेट कर देता हूँ। छपरा बाईपास से लेकर के अवतार नगर यादव चौक तक एकदम दोनों जो लेन है एकदम क्लियर थी, उधर पे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ गाड़ियाँ चल रही थी। उसके बाद से ये जो आप एरिया देख रहे हो ना ये अवतार नगर यादव चौक के बाद का एरिया है। और यहाँ पे कुछ पुल्स हैं उनका काम होना बाकी है, पत्थर जो है वो बिछा दिया गया है, बाकी जो पिचिंग विचिंग का है वो काम बाकी है। तो इसके अंदर ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस वो पुल का जो है वो काम हो जाए एक बार। ये दिघवारा में ही पड़ता है और कुछ यहाँ पर ट्रिप देख लो आप, मात्र 1 किलोमीटर की जो दूरी थी ना वहाँ तक सिंगल लेन में हम लोग आए और वापस से यहाँ पे डबल लेन स्टार्ट हो गया है। और बाकी कुछ 5 किलोमीटर चलने के बाद जो है हम सीतलपुर में क्रॉस कर जाएंगे। ये क्रेटा हमारे साथ साथ चल रही है बहुत शुरू से। यहाँ पे आप खेती देख सकते हो भाई, आलू वालू की बुआई हो रही है। तो हम ना अभी यहाँ पे दिघवारा थाना चेक पोस्ट के पास हैं, कुछ चेक पोस्ट लगा हुआ है, पुलिस वाले भी हैं इधर पे जस्ट पीछे। इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ है भाई, मतलब किस बात की है पुलिस यहाँ पे। तो अगेन ये जो एरिया है ना हेमंतपुर का शायद एरिया है और ये भी दिघवारा में ही पड़ता है। पहले जब इधर का कनेक्शन नहीं हुआ था तो रोड ऐसे आके फिर लोग इधर मिलते थे दिघवारा साइड पे। और बट अभी जो है यहाँ पे एक लेन बन चुका है और दूसरी लेन पे काम होना बाकी है। और मीटर जो है वापस से जीरो कर देता हूँ ताकि पता चल सके कितने किलोमीटर की सिंगल लेन में काम हो रखी है। तो भाई लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था ना तो ये जो रोड आती है छपरा से यहाँ पे कनेक्शन नहीं हो रखा था, बट अभी आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा क्लियर हो चुका है। और डायरेक्टली आप मतलब दिघवारा जाने के लिए आप 4 लेन से ही आ सकते हो, आपको कट नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ से जो है सीतलपुर का एरिया स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे आगे जाओगे तो सीतलपुर मार्केट मिल जाएगा। बगल वाली जो ब्रिज है उसका काम चल रहा है तो ब्रिज के कारण ही ना थोड़ा सा काम में रुकावट आ रहा है। और यहाँ पे ट्रकों का है जाम भी लगा हुआ है एक ही लेन के ऊपर में, और दूसरी लेन पे अभी काम चल रहा है। एक बार यहाँ से निकल के आपसे बात करते हैं, जब ये डबल लेन आ जाएगा तब आपको बताएंगे। तो ये आप यहाँ देख सकते हो 4.5 किलोमीटर दूरी के बाद सीतलपुर के बाद जो इंटरसेक्शन था सिंगल लेन थी, उसके बाद यहाँ पे वापस से 2 लेन दिख रहा है हमको। तो चलते हैं अपने ही लेन में और यहाँ का कंडीशन आपको दिखा देते हैं कि इधर पे क्या कंडीशन है। ठीक बार उठवा कहीं कहीं पे ना पैच खाली दिख रहे हैं, भाई साहब बोले हुए थे कि बढ़िया है बट वापस से देख रहे हो भाई। हाँ इधर पिचिंग नहीं हो रखी है,
चल के देखते हैं और कितना किलोमीटर ऐसे रोड है। 6 किलोमीटर कंप्लीट होने वाला है ऐसे में। तो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन आ गया, ये मेरे को लग रहा है कि ये बेला जाएगा। और अभी आपको किलोमीटर दिखा दूँ, 6.5 किलोमीटर का जो है वो पैच बिल्कुल गंदा है एक तरफ का। और यहाँ पे व्यवस्था तो हो रखी है भाई, ये भरा जा चुका है। लास्ट टाइम ये बहुत ही खड्डा था पूरा, और बैरिकेडिंग भी लग चुकी है। इसे भी अभी नया नया बनाया गया है क्योंकि गर्माहट आ रही है रोड से, तो मालूम चल रहा है कि अभी जस्ट ये पिचिंग हुआ है। तो भाई यहाँ से जो आप देख रहे हो ना, यहाँ से वहाँ तक जो है पूरी मछली है ये सारी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि छोटी छोटी जो मछली होती है ना, पोठिया वोटिया, वो सब लगी हुई है। और यहाँ पे बहुत ही गंदा बदबू आ रहा है मछली का। तो यहाँ पे रामराज ये चौक है शायद यहाँ पे, और यहाँ तक लेन जो है क्लियर थी। कभी कभी बीच में 50 मीटर 100 मीटर का जो एरिया था वहाँ पे रोड जो है सिंगल लेन में बनी हुई थी, और वापस से यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसका जो है पिचिंग होने ना बाकी है, तो हमें इसी लेन को यूज करना पड़ेगा। यहाँ से वापस से जीरो कर लेते हैं ट्रिप। तो रामराज्य चौक के बाद कितना किलोमीटर का जो एरिया है सिंगल लेन में बना हुआ है ना, वो आपको पता चल जाएगा। ये गोपालपुर चौक यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं आपको लास्ट में समराइज कर दूंगा कि टोटल जो कितने किलोमीटर की दूरी है ना, वहाँ पे आपको सिंगल लेन मिलने वाला है, ठीक है? तो उसके लिए आप टेंशन ना लो। सो भाई अब हम पहुँचने वाले हैं सोनपुर ओवर ब्रिज के पास। तो कुछ ये अपडेट है आपको, मतलब टोटल में बताऊँ ना, आर्मी के बाद से 2-3 जगह ऐसा था जहाँ पे जो है पुल के वजह से ना 1 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर के आसपास का एरिया जो पैच है वो सिंगल लेन में था। बाकी उसके बाद से सीतलपुर के बाद से जो है कुल मिला के मैं बोलूँ तो 5 से 8 किलोमीटर का जो एरिया है ना, वहाँ पे मात्र सिंगल लेन में काम हो रखा है। 85% जो काम है ना टोटल क्लियर हो चुका है, तो इसमें बहुत ज़्यादा अब समय नहीं लगने वाला है। यह रहा आपका टोटल अपडेट छपरा पटना 4 लेन का। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और अच्छी लगी होगी तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो।